रमना मारुति निवासी फिरियादी के घर से चोरी करने वाले आरोपियों को नंदनन पुलिस ने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। इस मामले में पुलिस ने 19 वर्षीय आरोपी समेत दो नाबालिगों को हिरासत में लिया है। इस संदर्भ में पुलिस निरीक्षक रविंद्र दुबे ने अधिक जानकारी साझा की। प्राप्त जानकारी के अनुसार नंदनगर पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले प्लॉट नंबर 5 रतन नगर रमना मारुति निवासी फिरियादी सुमन निमजे के घर की वॉल कंपाउंड के अंदर खिड़की के सज्जे पर रखे म्यूजिक सिस्टम के 2 बॉक्स और 2 कॉर्डलेस माइक की किसी अज्ञात आरोपी ने चुरा लिए, जिसकी शिकायत उन्होंने नंदनगर पुलिस थाना अंतर्गत दर्ज कराई। इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने गाड़गे नगर डी ब्लॉक निवासी आरोपी आकाश और अखाड़े कृष्णन दुलेवाले को हिरासत में लिया। उससे पूछताछ करने पर उसने अपने गुनाह की कबूली की। इस वक्त आरोपी के साथ दो नाबालिग होने की जानकारी पुलिस द्वारा दी गई। आपले बोल बरोबर आहे। पुलिस स्टेशन नंदनवनला ऑफेंस नंबर 148 2021 कलम 379 भादवीचा गुन्हा दाखल झाला होता। त्यामध्ये फिर्यादी होते सुदाम पांडुरंग निमजे आणि यांचा राहणार होता रतन नगर रमना मारुती नगर। यांच्या घरातून झेब्रॉनिक कंपनीचे म्युझिक सिस्टम आणि 2 जे होते कॉर्डलेस असा सामान चोरी गेलेला होता। आणि आम्हाला गुप्त बातमीदारामार्फत माहिती भेटली की एका इस्माने सदरची चोरी केलेली आहे। वरून आम्ही जे आरोपी आहे आकाश उर्फ आखाडी कृष्णा उल्लेवाले यास आम्ही अटक केली आणि त्यांच्याकडून सदरची चोरी उघडकीस आणली आणि जे मालमत्ता चोरी गेली होती ते पण आम्ही ताब्यात घेतले। नंतर आम्ही याच आरोपीकडून आणि त्यामध्ये आणखीन 2 जे होते बालगुन्हेगार ते पण सामील होते। याच आरोपीकडून आम्ही आमचे पोलीस स्टेशनचे अपराध क्रमांक 532/21 533/21 535/21 323/21 आणि 454/21 असे आमचे पोलीस स्टेशनचे पण आणि इतरत्र पोलीस स्टेशनचे गुन्हे आम्ही उघडकीस आणलेले आहे। आणि आरोपीकडून आम्ही 151,000 रुपयाचा माल जप्त केलेला आहे। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों से कुल 151,450 रुपए का मुद्देमाल जब्त किया और पुलिस द्वारा आगे की कार्रवाई जारी है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार, BCN News, नागपुर।